हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स मैं नविता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास सिक्स के चैप्टर सिक्स इंटीजर्स की एक्सरसाइज 6.2। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर्स। नंबर लाइन यूज करनी है तो सबसे पहले तो नंबर लाइन बना लेते हैं हम, ठीक है। नंबर लाइन मतलब क्या, एक सिंपल लाइन ड्रॉ करनी है हमें ऐसे स्केल के साथ, स्केल बिल्कुल सीधा रख के एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। और सेंटर में यहाँ देखो, यहाँ पे जीरो होता है नंबर लाइन के, इस साइड पे नेगेटिव नंबर्स जैसे -1 -2 -3 और इस साइड पे पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अप टू सो ऑन, आगे बहुत सारा जितने मर्जी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, 3 more than 5 पाँच से तीन ज़्यादा। अगर तो कहीं पे भी मोर देन की बात आए, ज़्यादा की बात आए तो आपको किस साइड पे जाना है, राइट साइड पे। अगर लेस देन की बात आए तो जाना है लेफ्ट साइड पे, ठीक है। मोर देन, अगर मोर देन की बात आए, मोर लिखा है तो हमें राइट साइड पे जाना है, ठीक है, और अगर लेस लिखा होगा तो हमें लेफ्ट साइड पे जाना है। अभी यहाँ पे क्या है, 3 more than 5 5 से तीन ज़्यादा, तो कैसे जाएंगे देखिए, ऐसे 1 2 3 और हम इस साइड पे जा रहे हैं तो एरो भी क्या है, इस साइड वाले डाल दीजिए। तो हम कहाँ पे पहुँच गए, 8 पे। तो इसका मतलब कि हमारा आंसर कितना आ गया, 8। ओके आगे चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। यहाँ पे क्या है, 5 more than -5 -5 से 5 ज़्यादा बनाने हैं हमें, ठीक है। सेम वैसे ही करना है आपको, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे है जीरो, इस साइड पे नेगेटिव नंबर्स आएंगे -1 -2 -3 -4। देखिए यहाँ पे उसने -5 से 5 ज़्यादा कहे हैं, मतलब हमें इस साइड जाना है तो -5 के आगे के नंबर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे क्या आते हैं, हमारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, 5 more than -5 -5 से 5 ज़्यादा, तो ऐसे बनाएंगे 1 2 3 4 5 कहाँ पे पहुँच गए, 0 पे। इस साइड गए हैं तो ये वाले एरो लगा देंगे, इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 0। नेक्स्ट क्या है, 6 less than 2 2 से 6 कम चाहिए हमें, ठीक है, 6 less than 2। तो ये रही नंबर लाइन, यहाँ पे 0 1 2। अभी लेस देन की बात हो रही है तो हमें किस साइड पे जाना है, लेफ्ट साइड पे, मतलब इस साइड पे जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमें 2 से आगे नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 तक ले लेते हैं, ठीक है। अभी क्या है, 2 से 6 कम, चलिए चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए, लेफ्ट साइड पे गए हैं तो एरोज भी कौन से, लेफ्ट वाले डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया हमारा, -4। ओके इसके बाद चलते हैं इसके पार्ट डी पे। पार्ट डी में क्या है, 3 less than -2 -2 से 3 कम, 0 1, ठीक है, -2 से -1। अभी 3 कम देना है, मतलब इस साइड जाना पड़ेगा, तो इस साइड वाले नंबर थोड़े ज़्यादा लिख लीजिए, -6 -7 तक लिख लेते हैं, ठीक है। अभी -2 से 3 कम, तो 1 2 3 एरो डल गए, कितना आ गया, -5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -5। होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही करना है, क्या है, यूज नंबर लाइन एंड ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स। हमें जो नंबर्स दिए हुए हैं उन नंबर्स को हमें ऐड करना है, क्या यूज करके, नंबर लाइन यूज करके, ठीक है। सबसे पहले तो एक कॉमन सा स्टेप देखिए यहाँ पे होगा, आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो क्या, कि अगर हम प्लस प्लस दो साइंस प्लस के इकट्ठे हो रहे हैं तो प्लस ही आएगा, दो साइंस माइनस के इकट्ठे हो रहे हैं तो वो प्लस बन जाता है, और अगर एक साइन प्लस का और एक साइन माइनस का है वो माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 प्लस माइनस माइनस, तो 9 - 6 बन गया यहाँ पे, ठीक है। माइनस का मतलब क्या है, लेस करना है, कम करना है। अभी नंबर लाइन पे ये सब कैसे करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन में सीख ही चुके हैं, तो यहाँ पे 9 से कम करने हैं तो 9 तक काउंटिंग तो लिखनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक लिख लिया। अभी 9 में से 6 कम करने हैं, तो 9 में से 6 इस साइड पे जाना है हमें, लेफ्ट साइड पे, ठीक है।
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पहुँच गए यहाँ पे, कहाँ पे पहुँच गए, थ्री पे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, थ्री। आगे देखिए, फाइव प्लस माइनस इलेवन, अभी फाइव प्लस माइनस माइनस, ठीक है, इसका मतलब हमें पाँच में से ग्यारह कम करने हैं, मतलब पाँच में से ग्यारह हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे, ठीक है, वैसे ही करना है, नंबर लाइन बना ली, यहाँ पे जीरो, पाँच से कम करने हैं तो यहाँ पे काउंटिंग इस साइड पे पाँच तक लिख लेते हैं हम, और इस साइड पे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन तक लिख ली, ठीक है। अभी क्या करना है, पाँच में से ग्यारह कम करने हैं, ये रहा पाँच, पाँच से ग्यारह कम करने हैं मतलब ग्यारह ले, सॉरी यहाँ पे हमने साइंस नहीं डाले ना, जिस साइड पे गए हैं वो वाले साइंस डालने ज़रूरी हैं। अभी पाँच में से ग्यारह, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, कहाँ पे पहुँच गए, सिक्स पे, लेफ्ट साइड जा रहे हैं, जिस साइड पे जा रहे हैं वो वाले क्या डालने हैं, साइंस डालने हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अभी, माइनस सिक्स। आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, माइनस वन प्लस माइनस माइनस, ठीक है, मतलब हमें माइनस वन में से सात कम करने हैं, ठीक है, वैसे ही करना है स्टार्ट, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे पहले, हो गई नंबर लाइन, नंबर लाइन पे ये रहा जीरो, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स, जितनी स्पेस है उतनी काउंटिंग लिख ली। अभी माइनस वन में से सात कम करने हैं, ये रहा माइनस वन, सात कम कीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, लेफ्ट साइड गए हैं, एरोज डाल दीजिए, तो कितना आंसर आ गया हमारा, माइनस एट। ओके, अभी नेक्स्ट पार्ट में क्या है, माइनस फाइव में टेन ऐड करने हैं, माइनस फाइव में टेन ऐड करने हैं, ये रहा यहाँ पे ज़ीरो, और ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, और इस साइड पे पॉजिटिव नंबर्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। माइनस फाइव में भी हमें टेन ऐड करने हैं तो उस साइड पे चलेंगे, देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, तो कहाँ पे पहुँच गए, फाइव पे, तो इसका मतलब कि इसका इस साइड पे जा रहे हैं, जिस साइड पे जा रहे हैं वो वाले एरोस, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा हमारा, फाइव। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं इसके पार्ट ई पर, पार्ट ई में क्या है, काउंटिंग, जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास तीन नंबर्स आ गए अभी, ठीक है, सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं पहले, माइनस वन प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, अभी हमें इसे सॉल्व करना है, ये थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है, ज़ीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स लिख लिए इस साइड पे, और इस साइड पे पॉजिटिव नंबर्स। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे माइनस वन में से टू कम करने हैं हमें, तो वन टू कि यहाँ पे पहुँच गए हम, माइनस थ्री पे, माइनस थ्री में से थ्री फिर से कम करने हैं, तो वन टू थ्री, तो टोटल हमारा आंसर कितना आ जाएगा, माइनस सिक्स। अगर हमारे पास टू नंबर थ्री नंबर ऐसे आ जाएँ तो इसे सिंपली पहले टू नंबर्स को सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आएगा उसमें थर्ड नंबर को सॉल्व कर देना, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद इसका बचता है लास्ट पार्ट, माइनस टू प्लस एट प्लस माइनस माइनस, मतलब क्या आ गया, माइनस फोर। वैसे ही नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, नंबर्स हैं जैसे यहाँ पे ज़ीरो वन माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन माइनस एट तक आ गई, यहाँ पे जितनी काउंटिंग आ रही है उतनी काउंटिंग लिख लीजिए, अगर हमें फिर से ज़रूरत पड़ी तो और बना लेंगे। अभी माइनस टू में एट प्लस करने हैं, ठीक है, देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, जिस साइड पे गए हैं वो वाले एरोस। इसके बाद जो आंसर आ गया उसमें से फोर फिर से माइनस करने हैं, तो वापिस आएंगे, एक दो तीन चार वापिस आ रहे हैं, तो ये वाले एरोस कितना आ गया आंसर, टू। इसका मतलब कि इसको सॉल्व करके कितना आएगा, टू। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी इस एक्सरसाइज के दो क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, होप आपको समझ आ गए होंगे, पर अगर फिर भी कहीं पे कोई भी डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी, और इस एक्सरसाइज के बचे हुए तीन क्वेश्चन मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएं और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।